हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे एग्ज़ाम में थिंक करना है, उसके प्रॉब्लम को एक मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व करना है, उसका कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाऊँगा। तो सबसे पहले देखो, वेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा चीज़ उसमें डायरेक्शन होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले अगर किसी भी पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में गिवन है। जैसे ए का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर ए है वो एक्चुअली ओ ए है। और ओ ए का मतलब क्या है, जो पहला वाला होता है वो ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड। तो इसलिए ये आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस को बताता है, जे जो है वो वाई एक्सिस को, और के जो है वो जेड एक्सिस को। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब आपको बेसिक लग रहा हो लेकिन बेटा ध्यान से समझना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, वैसे ही अगर बी का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है तो वेक्टर बी या ओ बी एक ही बात है और उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस पॉइंट पे एंड कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा ओ ए, और ये ए बी, तो ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी। डायरेक्शन का ध्यान रखना, मैं पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो इन दोनों का सम यहाँ स्टार्टिंग एंडिंग सेम पॉइंट पे पहुँचाऊँ तो इसके बराबर होगा, और इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट। इक्वल साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ समझो कि वैक्टर ए बी, अगर ये दो वैक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक्चुअली क्या हुआ, ध्यान से देखो, जब आप लिखते हैं तो जो बाद में आता है उसमें से माइनस करना आपको पहले वाले को। जैसे अगर यहाँ पे बी ए लिखता तो ए माइनस बी होता, तो इसलिए यहाँ पे समझाया कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। थोड़ा चेंज करोगे बेटा, ऐसा नहीं कि ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ए बी बोलने का मतलब कि ए से बी जा रहे हैं, तो इसके पॉइंट में से इसके पॉइंट को माइनस करना, जहाँ पे लास्ट में रुके फाइनल माइनस इनिशियल करना, सिंपल सा ये बात है। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो इधर की तरफ बी है लेकिन इधर की तरफ ए बी है, राइट। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, डैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज करना है। अगर मैं वेक्टर सी ए बोला तो ए में से सी को माइनस करना है, लेकिन अगर मैं ए सी बोला तो फिर सी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, रूट अंडर ऑफ जो भी उसके आई कैप का कॉफिशेंट होंगे उसका स्क्वायर, जे का जो भी कॉफिशेंट होगा उसका स्क्वायर, और के का जो भी होगा उसका स्क्वायर। ये सब प्लस में रहेंगे, पहले उसका कॉफिशेंट प्लस हो या माइनस, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए यूनिट वेक्टर, ये कैप जो है वो यूनिट वेक्टर को बताता है। तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना तो उस वेक्टर में, ये ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से तो एक यूनिट वेक्टर आपको आएगा। ये पूरा इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बेसिक है। कभी भी दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, ये जो ऐसे मॉड की तरह दिख रहा है आपको, तो वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, सिर्फ उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a.b है ये, राइट। ये पूरा रूट अंडर, अगर ए डॉट बी गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ए बी के बीच का एंगल गिवन है तो फिर आपको कॉस थीटा ए और बी के बीच का एंगल गिवन होगा तो ये लगाएंगे, राइट। ये सबको मालूम है। अगर तीन वेक्टर का सम आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड, तो वैसे ही सिंपल, पहले सिंगल सिंगल का स्क्वायर कर दो, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, राइट। उसके बाद दो दो काप ये लो, 2a.b, 2b.c, 2c.a। अगर ए डॉट बी गिवन है तो, नहीं तो फिर ए बी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा, सी ए कॉस थीटा। तो ये जो सी ए कॉस थीटा मतलब सी और ए के बीच का एंगल होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, जिनका डॉट ले रहे हैं उन्हीं दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर सर यहाँ पे माइनस आ जाता तो माइनस आ जाता तो फर्क क्या पड़ता है, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि बी की जगह माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ही रहेगा। जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाता आपका, यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ माइनस हो जाता, बाकी ऐसे ही रहते। तो जिसमें भी माइनस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर देंगे। कोई भी वैक्टर अगर आपको ऐसे गिवन है, मतलब ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में गिवन है, राइट। क्यों? क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0, 0 है, इसलिए माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई इंडिविजुअली ऐसे गिवन है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में गिवन है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना होगा तो सिंपल फिर क्या हो जाएगा, रूट आपका हट जाएगा, राइट। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर, मतलब जो भी आई जे के कोफिशियंट होंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इतने पॉइंट अभी आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट,
वेक्टर में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर आपको दो वेक्टर गिवेन हो, ध्यान दें दो वेक्टर गिवेन हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम, राइट। तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको गिवेन है, अगर मैग्नीट्यूड गिवेन है, एंगल गिवेन है तो ये यूज करो, या फिर अगर आपको वेक्टर ही गिवेन है तो डायरेक्ट क्या करना है, जो भी आई आई का कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है जे जे का और के का और सम कर देना है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर अगर एंगल दोनों के बीच निकालना हो तो ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, ऐसे भी। तो डिपेंडिंग, ये तीनों फार्मूला डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में या ऑप्शन में क्या गिवेन है उसके अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर से लोगे तो फिर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट, वेरी सिंपल। कहीं पे भी ए डॉट बी जीरो आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पे भी ए डॉट बी जीरो का मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ऑलवेज ये पॉइंट हम काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना। कहीं पे अगर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर आ जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी के बराबर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब कॉलिनियर हो गया, एक ही लाइन पे आएगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, राइट। डैट मीन्स उनके बीच एंगल 0 डिग्री है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना बेटा, एकदम क्लियरली बेसिक से बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए एलॉन्ग बी, तो ध्यान दें जिसके एलॉन्ग बोले उसका डॉट प्रोडक्ट लेना ऊपर और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, जैसे ए का एलॉन्ग बी तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी से लेना और बी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। और ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतने पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल आपको क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है, राइट, आई जे के ए का जो भी कोफिशिएंट होगा और बी का वो लिख देना। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और जिसको मैंने मान लिया कि इस टाइप का कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड सी के बराबर होगा, और अगर इससे निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान दें साइन थीटा है और थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी जब आप लेते हो तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। इस पॉइंट का मैं बहुत यूज करने वाला हूँ बेटा, आगे ध्यान देना, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि जब भी ए क्रॉस बी से आपको जो एक वेक्टर मिला जिसको मैंने वेक्टर सी मान लिया, राइट, तो ये जो वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर, दोनों के, राइट। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं जिसका क्रॉस निकाल रहे हो। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड बी। तो मैं अभी डॉट प्रोडक्ट से क्या यूज कर सकता हूँ कि सी डॉट ए जीरो होगा, क्यों, परपेंडिकुलर हो गया सी, सी ए के भी परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो ये सी होगा आपका बोर्ड के प्लेन के, अब तो सी ए से परपेंडिकुलर और बी से भी, क्योंकि ए और बी क्या है आपके बोर्ड के प्लेन में, तो सी डॉट ए भी जीरो होगा और सी डॉट बी भी जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है तो डैट मीन्स वैक्टर क्या हो गया, पैरलर वैक्टर हो गया, राइट, पैरलर वैक्टर हो गया, मतलब हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ बी, डैट मीन्स कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए तक पहुंचा जा सकता है, वेक्टर बी निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये कॉलिनियर भी हो गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, ध्यान रखना, कहीं पे भी क्रॉस जीरो रहा मतलब वेक्टर पैरेलल है, कॉलिनियर है, राइट, एक ही प्लेन में कोप्लेनर है, ये सारे पॉइंट हम बोल सकते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर ऐसे दे दे तो इसको इधर लाएंगे तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए होगा, और अगर बी आप कॉमन लेंगे तो ये, तो राइट, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, जैसे ध्यान से देखो बी क्रॉस सी यही आ जाएगा, बी क्रॉस ए ये आ जाएंगे, राइट, ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान देना, और इसको जब मैं इधर लाया तो एक जीरो वैक्टर आया, तो अगेन देखो फिर से वही पॉइंट पर पहुँच गया मैं कि बी क्रॉस और सी माइनस से भी एक वैक्टर ही आएगा, राइट, तो ये दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। ये कब हो सकता है, जब ये दोनों पैरेलल हो, राइट, तो सी माइनस है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी हो जाएंगे, यहीं से मैंने लिखा, तो सी क्या हो जाएगा दिस। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सी जो है वो डिपेंडेंट वेक्टर है, ऐसा ही बोल सकते हैं, और सी को मैं वेक्टर ए बी के मैनिपुलेशन से ला सकता हूँ, मतलब ये कैसे वेक्टर हो गए, कोप्लेनर, एक प्लेन में आने वाले हैं। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना आपको, ये चीज़ें, इसका यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ध्यान देना है अगर एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड गिवन है तो सिर्फ ए क्रॉस बी होगा,
और अगर डायगोनल के वेक्टर गिवन है तो हाफ लगाना पड़ेगा d1 क्रॉस d2। अगेन ध्यान देना है कि आपको क्या गिवन है, वेक्टर डायरेक्ट गिवन है कि पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको निकालना पड़ेगा बेटा, इसलिए ध्यान रखना। वैसे ही जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना, तो यहाँ भी हाफ है वैसा ही AB क्रॉस AC, तो डैट मीन्स क्या हो गया कि अगेन दो एडजेसेंट साइड आपको मालूम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब वही चीज़ है कि अगर A का कोऑर्डिनेट दे दिया, B का दे दिया, C का दे दिया, तो पहले आपको AB निकालना पड़ेगा, मतलब B में से A को माइनस करना पड़ेगा, तो वैक्टर AB आया। फिर AC निकालना मतलब C में से A को माइनस करना पड़ेगा, तो AC वैक्टर है उसको पुट करना है। कोऑर्डिनेट दे तो वो पोजिशन वैक्टर गिवन है, तो पहले आपको एक्चुअल वेक्टर निकालना पड़ेगा पॉइंट बी में से पॉइंट ए को माइनस करके, पॉइंट सी में से पॉइंट ए को माइनस करके, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है, राइट। और यहाँ पे ध्यान देंगे अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी ए क्रॉस ए बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, वो माइनस साइन के बराबर होगा, जबकि यहाँ पे ए डॉट बी, बी डॉट ए के बराबर है, राइट, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है, तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि वेक्टर प्रोजेक्शन अगर आपको बोला गया A का ऑन B पे, ध्यान दे A का B पे, तो जिस पे बोला जाएगा ऑन B तो वो वेक्टर रहेगा ऊपर में, नीचे में उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे और ऊपर में A डॉट B लेना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा आपको, राइट। और A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस में A डॉट B का स्क्वायर, कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसलिए ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब ज्ञान की बात, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी अगर बोला जाए कि वैक्टर को रोटेट किया गया है, ध्यान दो ये वैक्टर है इसको रोटेट कर दिए, तो इससे इसका मैग्नीच्यूड तो चेंज नहीं हुआ, राइट, तो हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि कभी भी मैग्नीच्यूड चेंज नहीं होगा, सेम होगा, इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या, अगर ए बी नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो वेक्टर नहीं है और नॉन कॉलिनियर है, अगर कॉलिनियर भी नहीं है मतलब एक ही लाइन पे नहीं आ रहा है, और अगर उसका इस टाइप से कोई कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है, लेमडा टाइम्स ऑफ ए बीटा टाइम्स ऑफ बी जीरो हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब लेमडा भी जीरो बीटा भी जीरो, ध्यान देना कि अगर नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर, अगर कॉलिनियर वेक्टर होता तो सर, तो कॉलिनियर वेक्टर होता तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता जिसका आप मल्टीप्लीकेशन करके जीरो वेक्टर बना सकते हैं, राइट। बट नॉन कॉलिनियर होगा तो कभी भी नहीं होगा ऐसा, और ऐसा तभी हो सकता है जब लेमडा और बीटा दोनों जीरो, तो ये सब कंसेप्ट हम आगे प्रॉब्लम में यूज करेंगे, इसलिए पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। एक और जो आप जानते हो कि ऑलवेज हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है और सेटिस्फाई द कंडीशन, राइट, ये तो अपना करना ही है। एक और पॉइंट, दो वेक्टर का भी कॉल होंगे जब आई आई का कोफिशियंट सेम होगा जे जे का और के के का, इसलिए ये पॉइंट भी ध्यान रखना, वहाँ पे समझ ही ना आता बच्चे को, कभी भी दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब आई आई का कोफिशियंट सेम हो जे जे का और के के का। और लास्ट पॉइंट कि कभी अगर ऐसे दे दे 2a प्लस 3b माइनस 5c इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इसको इधर ले आओ तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5c, डैट मीन्स c एक ऐसा पॉइंट है जो वेक्टर a b को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका तो आपको मालूम है इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर c आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, वेक्टर c इज इक्वल टू ये वाला जो नंबर है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इधर, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a हो जाएगा, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ b, नीचे में क्या हो जाता है दोनों का सम, तो 3 प्लस 2 5, तो ध्यान से देखो ये वही हो गया कि नहीं, 5c इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, राइट। तो इसलिए ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट c एक ऐसा पॉइंट है जो वेक्टर ab को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में u, v, w का मैग्नीट्यूड गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ w अलोंग u, तो क्या कहना चाह रहा, v अलोंग u तभी बताया था, v डॉट u बाय मैग्नीट्यूड u इज इक्वल टू डेट ऑफ w अलोंग u, तो w का u के अलोंग बाय जिसके अलोंग उसी का मैग्नीट्यूड, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, डैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि v डॉट u इज इक्वल टू w डॉट u, एंड वी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है मतलब वी डॉट डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो। आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, ध्यान से देखो, यू माइनस वी प्लस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, तभी आपको बोला था रूट अंडर ऑफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड यू का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1
वी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, डब्ल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, प्लस ध्यान देना 2 यू डॉट वी, इसमें माइनस है तो वो माइनस आ जाएगा राइट, माइनस में 2 यू डॉट वी, फिर ये माइनस वाला है तो माइनस में 2 वी डॉट डब्ल्यू, और फिर ये दोनों प्लस में राइट, तो प्लस 2 यू डॉट डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो तो u डॉट v जो है, ध्यान से देखो u डॉट v w डॉट u के बराबर है राइट, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल हो गए, और v डॉट w परपेंडिकुलर है तो ये भी जीरो हो गए, मतलब ये सारा टर्म जीरो हो गया, तो डायरेक्ट कितना आ गया आपका √14, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऐसा नहीं देख के डरना है, जो चीज़ बोला गया उसको ईजिली अप्लाई करोगे आंसर तक पहुँच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वेक्टर ए भी गिवन है और सी एक ऐसा वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ए डॉट सी 0 है तो सी डॉट बी निकालना है। तो ध्यान से देखो वेक्टर बी तो आपको मालूम है, वेक्टर सी मिल जाता तो सी डॉट बी आ जाता, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, पहले ये बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, इसको इधर ले आओ तो क्या लिखूँगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ध्यान से देखो बी कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये उसी कंडीशन पे आ गए कि नहीं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये कब हो सकता है जब ये दोनों पैरेलल हो राइट, डैट मीन्स वी कैन राइट कि वेक्टर सी माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी राइट, कॉलिनियर हो जाएंगे ऐसा भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ए मालूम है बी मालूम है लैम्डा नहीं मालूम है, तो उसके लिए क्या कंडीशन दिया है, ए डॉट सी 0, तो दोनों साइड में क्या करता हूँ ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो ये ए डॉट सी ये ए डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया राइट, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या आ गया आपको, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर आ जाएगा और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी निकाल लेता हूँ मैं पहले क्विकली, ध्यान से देखो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 1 × 1 1, 2 × 1 2, माइनस और माइनस प्लस ही हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 4, और मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर, तो √6 तो वो 6 हो गया राइट, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 0 = ए डॉट ए 6 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी डेट इज 4, तो यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा ध्यान से देखो माइनस में 3/2, तो यहाँ पुट कर दो तो आपको क्या आ जाएगा वेक्टर सी आ जाएगा, तो ध्यान से देखो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए तो 1 + 2j माइनस के राइट प्लस, तो वो माइनस ही हो गया माइनस में 3/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आप पुट कर दो i + j माइनस के, तो वेक्टर सी आ चुका है, ध्यान से देखो ये माइनस में 3/2 और ये प्लस में 1, तो ये माइनस में हाफ i आ जाएगा, ये माइनस में 3/2 और ये 2 है तो राइट, तो ये आ जाएगा आपका प्लस में हाफ j और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3/2 और माइनस 1, तो ये भी आपका हाफ k कैप हो जाएगा राइट। अब ये c आ गया है तो हमें क्या करना है, c डॉट b लेना है, तो ध्यान से देखो c डॉट b कैसे आएगा, तो 1 × −½ तो कितना हो जाएगा −½, 1 × + ½ तो कितना हो जाएगा +½, −1 × + ½ तो −½, तो ये कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आ गया −½, डेट इज ऑप्शन डी। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 1 है और ये कंडीशन गिवन है, ए बी सी का मैग्नीट्यूड गिवन है तो ए बी के बीच एंगल, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है ये पॉइंट को, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर सी इज ए क्रॉस बी का लैम्डा टाइम्स राइट, तो ए क्रॉस बी यू नो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी राइट, बस क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक पॉइंट, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और वही वेक्टर सी है, तो डेट मीन सी डॉट ए 0 है और सी डॉट बी भी 0 है। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का राइट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट प्लस 2a·b प्लस 2b·c प्लस 2c·a, ध्यान से देखो c·a 0 c·b 0 राइट, और दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 1, इधर देख लो तो ए स्क्वायर ध्यान से देखो तो कितना हो गया 1/3, बी स्क्वायर 1/2, सी स्क्वायर 1/6,
प्लस टू ए, ए आपको मालूम ही है वन बाय रूट थ्री, और बी वन बाय रूट टू कॉस थीटा, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू वन। तो यहाँ से ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो सिक्स, थ्री टू द तो टू, टू थ्री द तो थ्री और वन, तो ये वन ही हो जाएगा पूरा। तो ये वन वन कैंसल राइट, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा पाई बाय टू, सो ऑप्शन विल बी डी। तो देखो वेरी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर फोर में ए बी सी यूनिट वेक्टर है, थीटा एंगल बिटवीन ए सी है और ये कंडीशन गिवन है, तो ए क्रॉस सी निकलना है। तो ध्यान से देखो ए क्रॉस सी क्या होता है बोलो, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा होगा राइट, चूँकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन, ये वन साइन थीटा राइट, तो सिर्फ किसके बराबर हो गया साइन थीटा की, यू नो साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से वन के बीच में होंगी राइट, चूँकि सारे पॉजिटिव क्वांटिटी की मैंने, तो जीरो से वन के बीच में होंगी। तो ध्यान से देखो ये तो क्या हो गया वन से ग्रेटर हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ध्यान से देखो यही वन से स्मॉलर है राइट, रूट फिफ्टीन सिक्सटीन से कम है, फोर से कम होगा, फोर से डिवाइड करो तो वन से लेस आएगा, ये तो वन से ग्रेटर हो गया, ये भी वन से ग्रेटर हो गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे करना बेटा, ये नहीं कि आपको पूरा निकालना है, और अगर करना होता तो कैसे करते, तो चूंकि मुझे ए और सी के बीच एंगल गिवन है तो मैं क्या करता है यहाँ पर ध्यान से देखो, ए प्लस टू सी रहने देता उधर ले जाता तो माइनस टू बी, अब उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेता मैं राइट, और स्क्वायर भी कर देता तो उससे फ़ायदा हो जाता, तो यू नो क्या हो जाता है ये ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर राइट प्लस टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर राइट प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू बी का स्क्वायर, तो इससे क्या होता है ये स्क्वायर वन हो जाता राइट, ये फोर इंटू वन फोर हो जाता राइट प्लस टू टू द फोर सी डॉट ए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड वन वन है राइट, तो वन ही हो जाता कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता फोर बी का मैग्नीट्यूड वन है, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो कितना आ जाता ये फोर फोर कैंसल, तो कॉस थीटा कितना आ जाता माइनस वन बाई फोर, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते थे, साइन थीटा कितना आ जाएगा रूट फिफ्टीन बाई फोर, वही आ गया राइट। तो ऐसे कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है कि जिनके बीच एंगल की बात करें उसको एक साइड रखो और दूसरे को एक साइड, ताकि इसका एक ही अगर रहेगा वेक्टर तो इसमें एंगल की बात नहीं आएंगी, और फिर स्क्वायर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन से कैसे जाना है, तो ये पॉइंट है बेटा, ये ऑलवेज आपके माइंड को ओपन करके रखना है, ये नहीं कि बस आया और कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर दें, थोड़ा पॉसिबिलिटी चेक किया करो। क्वेश्चन नंबर फाइव में ए वेक्टर हैज कंपोनेंट वन एंड टू पी विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ये सब जस्ट डराने के लिए, सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 15 डिग्री, ये भी डराने के लिए आपको, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो डेट कंपोनेंट क्या हो गया ये हो गया। तो बेटा वेक्टर को अभी बताया कि कोई वेक्टर ऐसे था उसको सिर्फ रोटेट कर रहा आप, तो उससे उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, देखो मार्कर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा क्या, उतना ही रहेगा जितना लेंथ है राइट, तो मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो पहले कितना था वन और टू पी, मतलब वेक्टर ए कितना था आई कैप टू पी जे कैप राइट, उसके बाद वेक्टर ए डैश हो गया तो कितना हो गया आई कैप और पी प्लस वन जे कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैग्नीट्यूड सेम कर दो और स्क्वायर भी कर देता हूँ राइट, ताकि रूट कैंसिल हो जाए, तो क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर वन और ये टू पी का स्क्वायर फोर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर करो वन का स्क्वायर वन पी प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो वन से वन कैंसिल, ये इधर ले आओ तो थ्री पी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में टू पी राइट, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस में वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सम ऑफ द रूट पी वन पी टू कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो कितना होना चाहिए टू बाई थ्री, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी वन पी टू कितना होना चाहिए वो माइनस में वन बाई थ्री सी बाई ए। तो ध्यान से देखो माइनस में वन बाई थ्री प्रोडक्ट ऑफ रूट यही हो रहा है, और सम ऑफ द रूट वन माइनस वन बाई थ्री डेट इज टू बाई थ्री, तो ऑप्शन सी। ऐसा नहीं कि फिर इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, ऑप्शन से चेक करना है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी गिवन है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इनके बीच लाई कर सकता है, तो ये वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो पहले मैं इतना को सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी और इसका स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो ए क्रॉस ए होगा तो वो जीरो हो जाएगा राइट, फिर ए क्रॉस बी होगा तो ए क्रॉस बी आ गया,
फिर बी क्रॉस ए आएगा तो माइनस में बी क्रॉस ए माइनस है तो फिर बी क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा और इसका स्क्वायर था राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हो गया ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए को फिर से मैं ले सकता हूँ प्लस ए क्रॉस बी उल्टा हो गया तो राइट और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर तो ये टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फोर राइट मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा फोर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और दोनों को सम करना था राइट। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखो क्या मिल रहा है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है तो राइट क्या हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया वन राइट। तो फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 बी स्क्वायर कितना हो गया 9 तो कितना आ जाएगा ये 576 योर ऑप्शन विल बी ए। तो ऐसे आपको थिंक करना है। तो आई होप मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। बेटा आपको ऐसे ही थिंक करना है और भी प्रॉब्लम मैं करवा सकता हूँ लेकिन अगेन कंडीशन वही रहेगा कि आपको ऐसे थिंक करने आना चाहिए। थैंक यू।